मुझसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आपका लाख लाख शुक्रिया भगवान। मैं दिल की गहराई से केवल इतना चाहती थी कि वो मुझे स्वीकार कर ले, और वैसा ही हुआ। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान, आज मैं फिर से जी उठी। सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया सर। सर मैं तो खुद आपके पास आना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि शट अप। ओके, क्या बताओगे तुम मुझे? हाँ क्या बताओगे? जो कुछ मैं जानना चाहता हूँ वो सारा इस फाइल में साफ साफ लिखा हुआ है। पूरे 2 करोड़ की डील की है तुमने इस कंपनी के साथ, पूरे 2 करोड़ की, और वो भी हमसे छुपाकर और बिना किसी अथॉरिटी। अब ये मत कह देना कि ये दस्तखत भी तुम्हारे नहीं। और तुम तो समझदार इंसान, तुम ये समझ ही सकते हो कि तुम्हारे साइन किए इस स्टैम्प पेपर का मैं क्या और कैसे इस्तेमाल कर सकता। सर ये पेपर नवीन जी ने जबरदस्ती साइन करवाई, दो कैसे? सर मेरा यकीन मानिए, सर सब इन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए। देख रहे हैं बड़े पापा, अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अरे हमारे रिश्तेदार होकर भी तुमने हमारे साथ ऐसी घटिया हरकत की। तुम्हें नौकरी की जरूरत थी, तुम्हें, और मैंने बिना कोई सवाल पूछे तुम्हें वो नौकरी दे दी। और इस बात का एहसान मानने की बजाय तुमने हमारे भरोसे का ऐसा बदला लिया, धोखा किया हमारे साथ, और अब अपनी गलती मानने की बजाय तुम सारा का सारा दोष नवीन पे डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसी हरकत के लिए तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सर प्लीज सर, सर मेरा कोई कसूर नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आप चाहे तो अग्रवाल साहब के मैनेजर से पूछ लीजिए, आप बताइए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बड़ी हिम्मत वाले हो मिस्टर विनीत। अरे भाई तुमने तो हमें उकसाया था ऐसा करने के लिए, कहा था बहुत फायदा होगा, और अब हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारे हक में गवाही देंगे? राजवन साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज। प्लीज सर। दोस्त कितना बड़ा एयरपोर्ट था ना, कितना मजा आया है ना, मुझे ना वो प्लेन पास से देख रहा था, देख ही नहीं पाया। मैं भी प्लेन में बैठूंगा। हाँ। दोस्त जो एयरपोर्ट होता है हाँ, उसके अंदर प्लेन क्यों नहीं होता? हाँ? एयरपोर्ट से बड़ा होता है प्लेन क्या? हाँ? बिल्कुल, हम राजवंश कभी चैरिटी के लिए पीछे नहीं रहते हैं, आपको कल चेक जरूर पहुंचेगा। तुम सुनते क्यों नहीं? हाँ? कब से बोल रहे हो, बोलो ना, बताओ। हम बाद में फोन करते हैं। बोलो। ये क्या हो रहा है साधना? आलेक तुमसे कुछ पूछ रहा है और तुम्हारा ध्यान तक नहीं है उसकी तरफ। तुम्हारी कोई भी सोच आलेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती। जी मम्मी जी। देखो साधना, जो होना था सो हो गया, और शुक्र है कि खत्म हो गया। आखिर इस घर से मुसीबत टली गई, रणवीर को होश आ गया और उसने अपना फैसला ले लिया। अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि 24 घंटे उस बात का दुख मनाना बंद करो और आलेख का ख्याल रखो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मायूसी का असर आलेख पर पड़े। तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए साथी,
बेहतर होगा अगर तुम अपने फर्ज पर ध्यान दो। तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो साधना कि रणवीर यहां से दूर चला गया है और तुम्हारी बहन की खातिर वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इट्स ओवर साधना एंड इट्स रियली ओवर। फ्लाइट तुम कहीं नहीं? नहीं मॉम, नहीं जा सका, जाने का मन ही नहीं किया। ने रागनी को क्यों बताया कि रणवीर यहां आए थे? कैसे छिपाता इतना बड़ा सच अपनी बेटी से कौशल्या जी? ये जानते हुए कि उसने अपने जीवन में कितने दुख सहे हैं, कैसे पालता इतना बड़ा झूठ मैं अपने सीने में? और इस वक्त जो जख्म वो पाले हुए हैं, उसका क्या जी? तो फिर मिलने देती ना रणवीर को रागनी से कौशल्या जी? आप कुछ भी कहें कौशल्या जी, लेकिन रणबीर से इस तरह हमें पेश नहीं आना चाहिए था। अच्छा जी, तो फिर बताइए क्या फायदा होता अगर हम रागनी को रणबीर से मिलने देते तो? और नुकसान भी क्या हो जाता कौशल्या जी, जरा बताएं आप। कौशल्या जी, आपने गौर किया? जिस वक्त मैंने रणबीर का नाम लिया, आपने अपनी बेटी का चेहरा देखा कौशल्या जी, उस एक पल में ऐसी ऐसी चमक थी उसकी आंखों में। अरे आप 100 दिए जला देती, उनकी रोशनी भी फीकी पड़ जाती। तो जब दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो एक हो जाने दो ना उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप तो जानते हैं ना कि रागनी का रिश्ता तय हो चुका है। ये भी आप ही की जल्दबाजी का नतीजा है कौशल्या जी। मैं तो शुरू से ही इस पक्ष में था कि बिटिया को संभलने का वक्त दिया जाए। इसका मतलब सारी गलती मेरी है ना? मैं क्या दुश्मन हूं अपनी बच्ची की? मैंने ऐसा नहीं कहा है कौशल्या जी, मगर हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि शादी एक निराशा में उठाया हुआ कदम बन के रह जाए रागनी के लिए। कि रणबीर ने ठुकरा दिया इसलिए किसी और ने अपना लिया। नहीं कौशल्या जी, मैं जुबान से जाऊं तो बेशक माफ मांगूंगा, लेकिन बेटी जान से जाए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस अनचाहे रिश्ते में बनकर मेरी बच्ची बेशक सांसें तो लेगी लेकिन जी नहीं पाएगी। इसीलिए उसे बता दिया और फैसला भी उसी पर छोड़ दिया। मगर क्यों? क्यों? वो तो बच्ची है, नादान है, वो जीवन के उतार चढ़ाव को क्या जाने। राजवंश परिवार का रिश्ता उसे कितनी तकलीफ देगा ये मैं जानती हूँ। मैं उसे तो अंदाजा भी नहीं है कैसे कैसे पहाड़ टूटेंगे उस पर। सिर्फ एक माही देख सकती है, उसे महसूस कर सकती है। ऐसा क्या देख पा रही हैं आप कौशल्या जी जो मुझे नजर नहीं आ रहा? क्यों इतना डर, इतनी कड़वाहट है इस रिश्ते के लिए आपके दिल में, आप बताएंगे मुझे? सब लोग यही सोचते हैं ना कि मैं पत्थर दिल हूँ, कड़वा बोलती हूँ, मगर ऐसा क्यों है ये भी तो सोचिए ना। आज मैं अपनी बेटी की खुशी के आड़े आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि सिर्फ ये 4 दिन की चांदनी है, ये सुख रागने के लिए दुख की ऐसी खाई बन जाएगा कि वो कभी उबर नहीं पाएगी। एक ही घर में रागनी और साधना एक साथ न
ना जी ना, ना। जिंदगी भर दोनों के रूप रंग को लेकर के कटीली बातें, सीने में चुपते हुए ताने, साधना का मान, रागनी का अपमान, कैसे सह पाएगी वो ये सब बातें, बताइए ना कैसे। नहीं जी, नहीं, साधना के रूप की परछाई बहुत ग्रहण लगा चुकी मेरी बच्ची पर, अब मैं ऐसा हर किसने होने दूंगी, हर किसने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि रणवीर जी घर आ गए। हाँ दोस्त, पता है तुम्हें खुश देख के ना मैं ही बहुत हैप्पी हूँ। अरे दोस्त, अब क्या हुआ, अब क्या सोचने लगी तुम? हाँ कुछ नहीं आलिक जी, बस यही सोच रही हूँ कि रणवीर जी ने तो पक्का मन बना लिया था जाने का, पर ये वापस कैसे आ गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। वजह मैं बताता हूँ भाभी। अभी मैं अपने प्यार से दूर जा ही नहीं पाया। मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ भाभी, मैं उसके घर पे भी गया था सारी गलतफहमी दूर करने के लिए। भाभी मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, मैंने अपने प्यार का एहसास दिलाने की भी कोशिश की, लेकिन आपकी मामी जी ने मुझे रागिनी से नहीं मिलने दिया। क्या हुआ भाभी, आप खुश नहीं है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया? अब आपको कैसे बताऊं रणवीर जी कि मम्मी जी इस रिश्ते के कितने खिलाफ हैं, और आपका ये प्यार का एहसास हालात को और भी उलझा देगा इस घर में। हाय कमाल है, ये अभी तक ऑफिस से वापस क्यों नहीं आए? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था बेटा, एक माँ हूं ना तो अपनी बेटी का भला ही चाहूंगी। हाय राम, अब ये क्या नया ड्रामा चल रहा है? माँ, मैंने बाबूजी की भी बात सुनी और आपकी दुविधा भी, आपकी चिंता समझती हूँ मैं माँ। भले ही रणवीर जी मुझे स्वीकार करना चाहते हो, लेकिन मैं अब इस किस्से को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती माँ, और ना ही उनसे मिलना चाहती हूँ। रणवीर रागिनी से मिलने आया था, उसे स्वीकार करना चाहता है? भाभी मैं जानता हूँ अपने दिल की आवाज़ सुनने में मैंने बहुत देर लगा दी, मैंने रागिनी को गलत नहीं समझा, मैंने आपकी नीयत पे भी शक किया, जबकि आप तो मेरी मदद कर रही थी मुझे ये समझाने में कि मैं रागिनी को कितना प्यार करता हूँ। भाभी जब मैं एयरपोर्ट पर था ना तो मुझे भैया की बातों से एहसास हुआ, आपने बिना किसी शर्त बिना किसी मांग कि भैया से कितना प्यार किए, आप उनका कितना ख्याल रखती हैं। आपको पता है भाभी मेरे साथ जो बुजुर्ग पति पत्नी थे वो आप दोनों को देख रहे थे, और पता है उन्होंने क्या कहा, प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य होता है और सत्य से सुंदर और कुछ नहीं होता। भाभी तभी मुझे एहसास हुआ कि रागिनी का प्यार भगवान का कितना बड़ा गिफ्ट था मेरे लिए, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, मेरे लिए उसका प्यार,
जो सिर्फ उसकी आवाज में ही नहीं उसकी खामोशी में भी महसूस होता था। वो सच्ची थी भाभी, उसने हर पल सच ही तो कहा था मुझसे कि उसकी बहन उसकी मदद करती थी। उसकी भाभी ने मुझे मॉल में बुलाया, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी। हाँ भाभी, वो हमारे घर ही तो आई थी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो उसके मासूम प्यार को एक धोखा मानते आया। प्यार का सबसे खूबसूरत रूप मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैं उसे पहचान नहीं पाया। भाभी, आई एम द बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। आपको पता है भाभी, मॉम को आप दोनों को लेके बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वो सब कुछ क्लियर आउट कर दूंगा। भाभी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपका दिल बहुत दुखाया, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज अपने देवर को माफ कर दीजिए। भाभी, एक बार मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए, प्लीज। नहीं रणवीर जी, पहले ही मैंने जीजी को बहुत सारे दुख दे दिए, अब मैं उन्हें और ज्यादा दुख नहीं दे सकती। और वैसे भी अब तो उनकी शादी भी तय हो चुकी है। भाभी, प्लीज प्लीज एक बार मुझे रागिनी से मिलवा दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। भाभी, अगर मेरा भाई इतना कुछ कह रहा है तो कुछ तो करो ना। हाँ, और वैसे भी जो तुम्हारी जीजी है वो इसको कितना प्यार करती है। हाँ, नहीं, मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती। जब भी किसी को खुशी देना चाहती हूँ उनके दुख का कारण बन जाती हूँ। लेकिन रणवीर जी वाकई में बहुत पछता रहे हैं, क्या करूं। माजी, रणवीर जी कब आए थे? देखा अग्नि, तुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा बेटा, बस तू सिर्फ अपने मन की सुनना और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना बेटा। मन का क्या है पहुंच, अक्सर गलत दिशा में दौड़ता है। मैं आपकी परेशानी भी समझती हूँ और माँ की चिंता भी, और वैसे भी आप दोनों से बढ़कर मेरा भला और कौन सा हो सकता है। भला आप जो तय करेंगे वही सही होगा मेरे लिए, बस। और कुछ नहीं कहना मुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।